श्री राम। बापू का आशीर्वाद है, इनके जितना सुरीला तो नहीं मैं और ना ज्ञानी हूं, लेकिन संतों का परिचय उनकी सरलता होती है, दूसरे को मान देना संतों का स्वभाव होता है। और आज इसी महीने में महाराज श्री के दर्शन हुए हैं और इसी महीने 23 तारीख को हमारे कुरुक्षेत्र की धरा पे हरियाणा में आदरणीय मुरारी बापू जी के भी दर्शन होंगे। वहां पर भी मुझे इसी प्रकार अपने शब्द बोलने का मौका मिलेगा। तो ये महीना समझिए कि संतों के ही आशीर्वाद से मैं चल रहा हूं। आइए, जिस भजन के लिए मुझे लगता है कि कल आपने पूरे शोरा में वो सुना होगा, उसी को सुनाता हूं। और बापू आपके निवेदन पर मैं यहाँ आया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि आते ही हमने रामनवमी का दिन अगले साल मेरठ में एक भव्य आयोजन का सुनिश्चित किया है। मेरठ में रामनवमी के दिन हम यहाँ 30 मार्च 2023 को यहाँ हम आएंगे और एक भव्य कीर्तन राम जी के चरणों में, श्याम बाबा के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में होगा। आइए एक बार प्रेम से कहिएगा, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। इसको मोहितन से बोलाएंगे भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। मैंने इस भजन को मध्य प्रदेश में गाया, राजस्थान में गाया, हिमाचल में गा रहा हूं, लेकिन सही बताऊं जब तक इसके साथ यूपी नहीं जोड़ता तो मजा नहीं आता मुझे। और पहली बार हमारे महाराज जी पहले भी मुख्यमंत्री बने और पुनः मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद उनका सदैव रहता है और संतों के लिए मैंने गाया। अगर कोई और मुख्यमंत्री होते यूपी में तो मैं शायद नहीं गाता, क्योंकि मेरा जो सिखलाई है जिसके लिए मैं चलता हूँ वो मेरा देश है और संतों की सेवा है। राजनीति से बहुत दूर हो गए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब संत हैं तो संतों के लिए गाना सबका सबसे पहले नेतृत्व बनता है। हम सबका ये जरूरी कार्य भी है जिसको हमने करना है। आइए मिलकर गाइएगा। कौन कौन सुनना चाहते हैं एक बार बताना जरा, क्या बात है। जो फिर से हम भारत में फिर से हम भगवान आएंगे, भारत में फिर से हम भगवान आएंगे। तो जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। Thank you.
यूपी में फिर से हम आपकी तालियां सुनना चाहता हूं। एक बार तालियां सुनना चाहता हूं। अब लहराएगा भगवा लहराएगा भगवा अब लहराएगा भगवा चाहे जितना मर्जी कोई शोर मचा ले चाहे जितना मर्जी कोई शोर लगा ले ना झुका है ना झुकेगा ना रुका है ना रुकेगा बस लहराएगा बस लहराएगा। आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए। और एक बात पल्ले बांध लो जो राम का वही काम का 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 वही लहराएगा भगवान वही लहराएगा। मुझे कई लोग कहते हैं बोले आप भगवे की बात करते हो तिरंगे की बात नहीं करते। मैं कहता हूं साहब जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है। योद्धा में काशी में योद्धा में काशी में काशी का क्या हुआ था? औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा था हिंदुओं के भरोसे को तोड़ा था। दीवारें नहीं छेड़ी छतों को तोड़ दिया शिवलिंग उठा के कुएं में फेंक दिया। 500 साल तक उन दीवारों पे पर्दा गिराया किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी उन पर्दों के हाथ लगाने की। कोई पहली बार आया है जिसने पर्दे हटा के बताया है मंदिर भी हमारा है और काशी भी हमारी है। जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है। और अगली लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। राम हनुमान ने भगवे को पहचान दी मोदी और योगी ने भगवे में जान दी। ना डरा है सब करा है हम लहराएंगे भगवान हम लहराएंगे भगवान हम लहराएंगे भगवान। वही लहराएगा जो हनुमान जी का बच्चा है। ऐरा गहरा मथु गहरा भगवे को नहीं जानता है भगवे को वही जानता है जो हनुमान जी का बच्चा है। भगवान लेकर गए थे लंका फूंक कर आ गए भगवान लेकर गए थे पहाड़ उठा के ले आए भगवान लेकर गए थे लंका से माता सीता को लेकर अयोध्या आ गए। अब वही भगवान दारी दोबारा आए हैं जो तंबू से निकाल के राजा राम को मेरे को मिले। बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। आप सबका यूं ही प्रेम बना रहे बापू के चरणों में। चार लाइनें सुनाता हूं बापू का आदेश हुआ है दरबारी दिखाने से दरबारी आधा बढ़ा दो 5:30 24 राजा राम महलों में आ जाएंगे। तो जो 24 में लिखना था जो गाना था आज पूज्य बापू के सामने यही सुनाने जा रहा हूं। अगर आपका आदेश हो तो अयोध्या के राजा भारत है आपका महलों में आओ स्वागत है आपका जो भूमि हुई हमने
महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या जिनके दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, उन संतों के समक्ष मैं खड़ा हूं। इससे बढ़कर भक्ति का प्रताप और क्या होगा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ये मेरठ की धरा पवित्र हो गई, ये मेरठ देखिए ऐसा ऐसा कथा का कथा के तरीके को समझिए, तरीके को। मैं आऊंगा ना 30 मार्च को, फिर आऊंगा मेरठ, तब हम वंस मोर क्या थ्राइस मोर भी करेंगे, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पूज्य बापू जी ने कल जैसे ही फोन किया, हरिद्वार जा रहे भारतीय जनता पार्टी से, मैं निवेदन करूंगा।